हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्ता स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष बहुत परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं। सना उसे समझाती है काफ़ी, लेकिन अक्ष को कोई बात उस समय समझ में नहीं आ रही होती। और फिर उसकी मम्मी जब कह देते हैं कि वो घर छोड़ के जाए, वो अपना सामान पैक करती है और उस घर से निकलने लगती है। नीचे हर्ष और अक्ष की मॉम खड़ी हुई होती है। सना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आप ये क्या कर रहे हो आंटी, कहाँ जाएगी वो, कहाँ रहेगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ। आंटी उसकी बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं करती, कहती है उसने जो किया है उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी पड़ेगी ना बेटा, नहीं भुगतेगी तो कैसे चलेगा, भुगतना तो पड़ेगा। अक्ष कहती है ठीक है मॉम, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जो किया है वो तो भुगतना ही है, बस ये नहीं पता था कि बहू के चक्कर में औलाद को घर से बाहर निकाल दोगे, वो भी बिना किसी गलती के। चलिए कोई बात नहीं, होता है। सॉरी, मेरे साथ भी हो गया। इधर निशा घर में गई हुई होती है, वो भी सोच रही होती है कि श्रुति से कैसे बात करूं। खैर, अनामिका उसे निशा के पास लेके जाती है और निशा को जब वो देखती है, श्रुति तो उसे गले से लगा के रोने लगती है। कहती है कि क्या हुआ, कहती है बताया तो था तुझे क्या हुआ, धोखा दे दिया ना मुझे अक्ष ने, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा कर जाएंगे। कहती है अक्षर तुम्हें धोखा दे दिया और क्या, अक्षर ने तुम्हें धोखा नहीं दिया श्रुति, तुम ना अपने आप को धोखा दे रही हो। अक्षर ने तुम्हें हमेशा से प्यार किया और आज भी किया, लेकिन एक्चुअली ना तुम्हें प्यार की कद्र नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जो शक का कीड़ा है ना, ये तुम्हें लूट ले डूबा है ना। तुम्हें हमने भी समझाया, तुम्हें काजल ने आके भी समझाया, जिससे जितना हो सका उसने उतना समझाया, अक्ष ने कई बार समझाया, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे सर में बात नहीं घुसी, गुस्से की भी नहीं। क्योंकि जो शक का कीड़ा होता है ना, वो जिसके लग गया ना, दीमक की तरह होता है, खोखला कर देता है, और तुम्हें उसने वही कर दिया है। तो अब तुम्हें किसी और की बातें समझ में आएंगी ही नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। तो तुमसे कुछ भी कहना बेकार है मेरी जान, बिल्कुल बेकार है। तुमने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। श्रुति कहती है तो तू जो है अक्ष का फेवर लेने आई है। मैं अक्ष का फेवर लेने नहीं आई हूँ, मैं बस तुझे बताने आई हूँ, शायद तू भूल रही है, तूने अक्ष के फ्रेंड के साथ, उसकी मतलब उसके फ्रेंड की बहन के साथ कुछ किया था। अगर तू भूल रही है तो मैं तुझे याद दिला दूँ, अक्ष अगर चाहते ना तो ये बात घर में बोल के तुम्हारे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकते थे, और ये सो कॉल्ड जो तुम्हारी रेस्पेक्ट है ना,
ये कहीं रह नहीं जाती। लेकिन अक्ष ने ऐसा कुछ किया नहीं, तुम्हें पता है क्यों? बिकॉज लव्स यू अ लॉट। लेकिन ये बात तुम्हें तो समझ में आएगी नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक ही बात घुसती है कि अक्ष जो करें वो सब गलत है, उन्हें उनकी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ सज़ा मिलेगी। लेकिन तुम जो करो वो तो बहकना हो जाता है, वो गलती हो जाती है, और अक्ष का कर्तव्य बनता है तुम्हें माफ़ करने का, है ना? श्रुति कहती, अच्छा तो तू मुझे गिल्ट ट्रिप देने आई है? जी हाँ, मैं तुझे गिल्ट ट्रिप देने आई हूँ। मेरी औकात है तुझे गिल्ट ट्रिप देने की? मैं कोई तुझे गिल्ट ट्रिप देने नहीं आई हूँ। जिस इंसान को खुद ही गिल्ट ना हो उसे क्या गिल्ट ट्रिप देना? तो तुझसे कुछ भी कहना मेरा इस समय फिजूल है ना? तुझे मानना तो है नहीं, समझेगी तू वही जो तुझे समझना है, ठीक है? वही समझो तू, बस इतना ध्यान रखना कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तुम कुछ संभाल ही ना पाओ। बस इतनी बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि जब कुछ बिगड़ता है ना तो बहुत गंदी तरह बिगड़ता है। अक्ष के कज़न के साथ जब तुम्हारा नाम जुड़ा, उसके कज़न ने तुम्हें दुखी करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, तब भी अक्ष ही थे जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा हाथ थामा। श्रुति कहती है, मैं नहीं हूँ उसमें से, मुझसे नहीं होता है बर्दाश्त, मैं नहीं कर सकती हूँ बर्दाश्त, मैं अक्ष को नहीं देख सकती किसी के साथ। और अब की बार तो उन्होंने मेरे साथ खुलेआम बेवफाई की है, तो कैसे देख लूँ मैं? तुम लोग मुझे यहाँ गिल्ट ट्रिप देने आए हो, दो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा गिल्ट कम हो जाएगा? बोलो, या अक्ष का कम हो जाएगा? अक्ष की गई हरकत बेकार को सही हो जाएगी? कहती है, माना अक्ष से गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती तो नहीं हुई थी ना कि माफ़ी नहीं दी जा सकती। हाँ, क्या जिंदगी में तुमने कभी कोई गलती नहीं की? तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई है? बोलो, तुमने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया है सब सही किया है? तुम ही जवाब दो, क्योंकि मेरे जवाब देने से तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, तो ये जवाब तुम्हारा ही हो, तुम्हारे मुंह से आए तो ज़्यादा अच्छा है। देखो श्रुति, मैं तुम्हें यहाँ दोषी ठहराने नहीं आई हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम भी अक्ष से प्यार करती हो और अक्ष भी तुमसे प्यार करते हैं, तो इस रिश्ते को यूँ ख़त्म मत होने दो, इस रिश्ते को बचा लो, प्लीज़ बचा लो। सिर्फ तुम्हारे हाथ में इसे बचाना, इसे तबाह करना, जो कुछ भी करना है सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम्हारी चॉइस है। मैं अब चलती हूँ। तो कहती है, बहुत सही, ज़रूरत मुझे थी, बुलाया मैंने, आके भाषण देके अब चलती हूँ।
सही है, तुझे ऐसा लग रहा है मैं तुझे यहाँ भाषण देने आई थी? वही तो दिया है, और किया क्या है? मेरे लिए आती तो बैठती, मुझसे बातें करती, मुझे समझती, लेकिन तू जिस लिए आई थी ऐसा लग रहा है अक्ष का दूध बन के आई है। कहते धन्य हो महारानी, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, हमने तो तुमसे हार मान ली। चलती हूँ मैं, तभी पुजारी होती है उठ के, तभी उसकी मोम आती हैं श्रुति की, कहते हैं तुम निशा यहाँ? तो कहती है जी आंटी मैं यहाँ, समझाने आई थी इस पागल लड़की को कि अपने हाथों से अपना घर बर्बाद ना करे। लेकिन आंटी कहते हैं लेकिन यही ना कि ये कुछ समझने की फेर में ही नहीं है, क्योंकि इन मैडम को ऐसा लगता है कि बस यही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। और जिसकी सोच ये है ना, उसे आप और मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत बर्बाद होने से नहीं बचा सकती बेटा, कोई नहीं बचा सकता। तो अब ठीक है, जो भी है इनकी अपनी चॉइस है, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, मैं और आप कितना ही समझाएंगे, जाने दीजिए। अक्ष का प्यार शायद इसकी किस्मत में था ही नहीं, या ये कह लो जितना था उतना मिल चुका है। तो ये कह के वो जाने लगती हैं, तो श्रुति उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मम्मा आप मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं कैसे उनकी बेवफाई सह लूं। उनकी मम्मी कहती हैं बेवफाई, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ श्रुति, बहुत अच्छे से, अक्ष को परेशान करते हुए उन पे बेवजह के इल्ज़ाम लगाते हुए मैंने तुम्हें खुद ने देखा है, मुझे कोई और बताता ना तो एक बार को मैं सोचती कि शायद तुम्हें परेशान करने के लिए झूठ बोला जा रहा है या क्या, लेकिन मैंने खुद देखा है तुम उस इंसान के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं करती हो और कहती हो कि तुम उससे प्यार करती हो। कैसा प्यार है तुम्हारा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, उस इंसान को क्या समझ में आएगा जिसके लिए तुम अपने बाप से लड़ गई, मुझसे लड़ गई, रिश्तेदारों से लड़ गई, सबकी नज़रों में हमें क्या क्या नहीं बुलवा दिया, आधे से ज़्यादा रिश्तेदारों ने रिश्ते ख़त्म कर दिए इस वजह से कि हमने एक लड़की से तुम्हारी शादी करा दी, उसके बावजूद तुम क्या कर रही हो, तुम उसी इंसान के बारे में इतना गलत सोच रही हो, तो क्या किया जाए। तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि उसकी बेइज्जती तुमने सबके सामने करवा दी, अरे अपनी बहन नताशा से भी पूछ लिया होता ना, नताशा को क्या तुम जानती नहीं हो, कितने अफेयर्स हैं उसके, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं उसके, हाँ। श्रुति कहती है मुझे नताशा से कोई शिकायत है ही नहीं, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या ही शिकायत है। उसकी मम्मी कहती है नशा चलो यार, ये नहीं समझेगी, इसके दिमाग पे पत्थर पड़ चुके हैं। उसकी मम्मी निशा का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेके चली आती है। निशा श्रुति की मम्मी से कहती है आंटी ऐसे कैसे चलेगा, ये तो पागल हो गई है, ये पागल नहीं हो गई है, इसके दिमाग, ये अक्ष ने सही कहा है कि
इसका प्यार पागलपन में बदल चुका है। जब वो लंदन आए थे ना, वो तभी कह रहे थे तबीयत खराब हुई इसकी, इतनी अक्षय इतना अच्छे से संभाला, इसे ट्रस्ट ही नहीं है उस इंसान पे। सही किया अक्ष ने, निकाल दिया। ऐसे इंसान के साथ रह के पल पल अपनी ज़िंदगी नरक बनाने से अच्छा है कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दो। इधर अक्ष भी घर से निकल आते हैं, उनकी मॉम, उनकी भाभी सब उनसे रिश्ता ख़त्म कर चुके होते हैं। इधर श्रुति की मॉम श्रुति से रिश्ता ख़त्म कर देती है, लेकिन श्रुति के पापा श्रुति को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, अक्ष जॉब पे भी जाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन ही नहीं कर रहा होता, उनकी तबीयत ख़राब रहने लगती है, अकेले ही रहते हैं, बस सना ही आके उनकी देखभाल कर लेती है। इधर समिता को एक दिन अक्ष लेटे लेटे कॉल करते हैं और समिता हालचाल पूछती है और कहती है श्रुति कैसी है, तो अक्ष कहते हैं श्रुति तो गई। श्रुति कहते हैं गई कहाँ गई, और समिता कहती है मुझे छोड़ के गई। क्या मतलब छोड़ के गई, तो अक्ष से पूरी बात बता देता है। वो कहते हैं कि मनाया क्यों नहीं मनाया था बट उसे जाना था तो जाने दिया। ऐसे कैसे जाने दिया, तो क्या करती पकड़ के लटक जाती, गोद में उठा के बैठी रहती उसको सीने से लगा के कि ना जाए। गलती की थी अक्ष आपने, धोखा था वो। सच में समिता, हाँ अक्ष आज मैं किसी की बीवी हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अगर एक बीवी के जगह से रह के जब सोचती हूँ तो ये समझ में आता है कि श्रुति के ऊपर क्या बीत रही होगी। ओह अच्छा, मतलब श्रुति भी अब तुम्हें सही लगने लगी। श्रुति सही है, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो एक तरफ है, लेकिन आपका उसको धोखा देना एक तरफ है। मैंने धोखा दिया है बिल्कुल, आप कैसे बहक सकते हो। अच्छा, अक्ष को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं उन्हें उम्मीद नहीं होती कि समिता उन्हें इस तरह से बोलेगी, आज वो किसी की वाइफ बन गई है तो वो इस तरह से उन्हें जज कर रही है। इस बात का भी उन्हें गुस्सा आता है, तो कहते हैं अच्छा जी बहुत सही, बिल्कुल ठीक, मैं बहक कैसे गई, श्रुति कैसे बहक गई थी समिता ये भी बता दो। आई थिंक तुमने ही मुझे वो बात बताई थी ना, और मैंने कैसे रिएक्ट किया था। और दूसरी चीज़, अगर अब बात इसी पे आ रही है कि मेरी गलती है, तो आज मैं तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आज तक मैंने कभी श्रुति को ये एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मेरी गलती है और मैं मानती हूँ मेरी गलती है, एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती मैंने नहीं कर दी है। श्रुति के पास ही जाती थी ना मैं, हर बार क्या इल्ज़ाम लगाती थी मेरे ऊपर, मेरा किसी और से अफेयर चल रहा है, मुझे जिस्म की भूख है, मुझे बस उससे सेक्स चाहिए। उस दिन अपने मर्जी से मेरे पास आई और क्या कहा उसने मुझे, बताया था तुम्हें मैंने, क्या कहा था कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया ना। क्या मतलब, एक बात बताओ, जितनी बार उसने मुझे ये झूठे के ब्लेम लगाए हैं ना, चाहती ना तो बहुत पहले किसी के साथ हम बिस्तर हो चुकी होती। और लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास, ना लड़कियों की और ना लड़कों की, लेकिन मैंने सिर्फ श्रुति को चाहा इसीलिए कभी किसी को हाथ नहीं लगाया। एक वीक मोमेंट आया मेरी लाइफ में, हो गई गलती मुझसे, उसके लिए गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी है मैंने उससे, उस लड़की को रुकना ही नहीं था, वो चाहती नहीं है मेरा साथ अपनी ज़िंदगी में। और जब इंसान को भूख लगती है ना तो वो खाना खाता है, अगर उसे घर में नहीं मिलेगा तो वो बाहर होटल से जाके खाएगा, लेकिन वो भूखा नहीं मरेगा। एक दिन इंतज़ार कर सकता है, दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन,
10 दिन से ज़्यादा कोई भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी मैं एक बात कह रही हूँ, 10 दिन भी कोई भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह खाना ना मिले ना, शाम तक इंसान बाहर जाके खा लेता है कुछ ना कुछ। हाई हो मुझे गलत ठहराने वाली। आपको समझ में आ रहा है अक्षय आप क्या बोल रहे हो? दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? नहीं, दिमाग तो मेरा अब ठिकाने पे आया है, अब आया है मेरा दिमाग ठिकाने पे। मैं क्यों जी हजूरी करती फिर सबकी, जब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है उसकी ज़रूरत। ये कहते कहते अक्षय की आवाज़ भर्रा जाती है, उनकी आँखों से आंसू छलक जाते हैं। वो अपने दर्द पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और समिता ये बात समझ रही होती है। समिता कहती है, अक्ष मुझे अच्छे से पता है आपको कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी किसकी ज़रूरत है और कितनी नहीं। जाइए मम्मी के पास, आपको मम्मी के पास सुकून मिलेगा। कहते मम्मी ने घर से निकाल दिया। क्या? हाँ, जैसे आपको मैं गलत लगती हूँ ऐसे सबको गलत लगती हूँ। अगर आपको गलत लगती हो तो फिर सबको लग रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आप अपनी गृहस्थी संभालिए, बीवी के दर्जे से सोचा है आपने वो संभालिए। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो मैं टैकल कर लूँगी। एंड आई लव यू। शायद पहली बार बोल रही हो या पता नहीं, बट आखिरी बार तो ज़रूर है। बाय समिता, ध्यान रखना अपना। अक्ष मेरी बात तो सुनिए, समिता अभी नहीं, कभी फुर्सत मिली तो सुनूंगी। अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है और मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि अभी तुम्हारे नज़रों में मैं वैसे भी गलत हूँ, तो कुछ भी कहूँगी तो तुम्हें गलत ही नज़र आएगा। तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ आराम से। बाय, ध्यान रखिएगा अपना। ये कह के अक्ष फ़ोन कट कर देता है। समिता इधर सोच में डूब जाती है कि जो उन्होंने अक्ष को कहा वो सही था या नहीं था। तभी उनका हस्बैंड आ जाता है और वो अपने हस्बैंड के साथ बिजी हो जाती हैं और अक्ष की बात उनके माइंड से स्किप हो जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।